नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सल्फर मदर टिंचर के बारे में जानकारी दूंगा कि सल्फर मदर टिंचर आप कौन-कौन सी बीमारी में यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इसे यूज़ करें। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि सल्फ़र सबसे अच्छी मेडिसिन्स में से एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है होम्योपैथी में, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। अगर मैं ये बोलूं कि सल्फ़र मदर टिंचर, मैं जो मदर टिंचर्स यूज़ करता हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मदर टिंचर्स में एक मदर टिंचर है, तो ये भी अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा सल्फ़र मदर टिंचर यूज़ करता हूँ अपने क्लिनिक में, क्योंकि ये मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है स्किन डिसीजेस के लिए, चर्म रोग के लिए। और चर्म रोग जो है आजकल क्लिनिक में लगभग 30-40% जो पेशेंट है उनको चर्म रोग की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर आपको चर्म रोग है या आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, या आप होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और लोगों को मेडिसिन बताते रहते हैं, तो आपको सल्फर मदर टिंचर के बारे में जानना और उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सल्फर जो है होम्योपैथी में मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, जिसे आप हिंदी में गंधक भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या लक्षण हो, क्या दिखेगा और क्या महसूस होगा पेशेंट को, तब आपको सल्फर मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से चर्म रोग में आपको सल्फर मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए, और लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जानते हैं साइलेंट सिम्टम्स। अगर किसी को किसी भी तरह का चर्म रोग है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उसे खासकर रात में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, सल्फर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खुजलाते खुजलाते पेशेंट जो है वो खून निकाल देता है, सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ पर खुजली हो रही है वहाँ पर पहले लाल पड़ता है, धीरे 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 वो जो स्किन है, वो जो त्वचा है, वो काली पड़ जाती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। जब आप खुजलाते हैं तो पानी से निकलता है, धीरे धीरे वो सूख जाती है। ये ड्राई इचिंग के लिए भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये वेट इचिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको एक्जिमा हो गया है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके बाद उसमें पपड़ी बन जाती है, उसके बाद आप जब खुजलाते हैं तो पपड़ी सी निकलती है, खुजलाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फंगल इन्फेक्शन है, आपको आपके इंटरनल एरियाज में फंगल इन्फेक्शन है, चारों तरफ लाल लाल पड़ा हुआ है, अंदर काफ़ी काला है और बीच में छोटे छोटे लाल दाने काले दाने हैं, आप बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं, खासकर जब आप घर आते हैं और जब आप अपने वस्त्र को उतारते हैं और उसके बाद जो खुजली होती है। दोस्तों, अगर आपको बहुत सालों से चर्म रोग है, ठीक नहीं हो रहा है, खुजली भी है, कभी कभी ठीक हो जाती है खुजली, फिर कुछ दिन बाद फिर से हो जाती है, हो सकता है कि उस जगह में जो एक्जिमा है आपका वो सूख जाए, फिर कुछ दिन बाद फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाए, फिर हो जाए, और आप बहुत सारी मेडिसिंस ले रहे हैं। तो अगर किसी को एक्जिमा था और एक्जिमा ठीक हो गया है, लेकिन अगर उसको अस्थमा हो गया है, तो ऐसे में ये अस्थमा के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और एक्जिमा के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, जैसे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, बहुत सालों से एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो सल्फर आपको जरूर यूज करना चाहिए। ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण। जिन लक्षणों को देखकर मैं मोस्टली सल्फर प्रिस्क्राइब करता हूँ। अब चलते हैं कि मैं कौन कौन सी बीमारी में सल्फर को देता हूँ। सबसे पहले मैं स्किन डिसीजेस की ही बात करूँगा। अगर आप सल्फर मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं तो एक्जिमा के लिए ज़रूर इसे यूज़ करें, इसे आप रिंग वॉर्म के लिए ज़रूर यूज़ करें, इसे फंगल इन्फेक्शन के लिए ज़रूर यूज़ करें, खासकर टीनिया फंगल इन्फेक्शन के लिए, जैसे टीनिया क्यूरिस जैसे फंगल इन्फेक्शन के लिए ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये किसी भी तरह के डर्मेटाइटिस के लिए। डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा, मतलब आपकी चर्म, मतलब आपकी चमड़ी, स्किन, और आइटिस मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। तो अगर आपकी चमड़ी में इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पर दाने आ जाए लाल लाल और बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुजली हो और
बहुत ज़्यादा सूजन भी हो तो ऐसे में सल्फर मदर टिंचर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो सल्फर मदर टिंचर का ज़रूर आप उपयोग करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए अर्टिकेरिया में, मतलब लगाने के लिए अर्टिकेरिया में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सोरायसिस वाले पेशेंट को भी मैं कभी कभी सल्फर मदर टिंचर देता हूँ, मोस्टली लगाने के लिए। अगर आपको पिंपल्स हैं और वो पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं और खुजली भी है उसके साथ, तो ज़रूर सल्फर मदर टिंचर का उपयोग करें। ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस या आपके स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, भूसी से निकलती है, रूसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तब भी आप सल्फर मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अगर चर्म रोग है तो सल्फर मदर टिंचर का उपयोग कैसे करें? तो सल्फर मदर टिंचर आप दो तरह से उपयोग में ला सकते हैं। पहला, सल्फर मदर टिंचर को आप लगा सकते हैं, दूसरा आप सल्फर मदर टिंचर को पी सकते हैं। तो लगा तो सभी सकते हैं, लेकिन पिए वही लोग जिन्हें सल्फर से एलर्जी ना हो। तो लगभग 10% लोगों को सल्फर से एलर्जी होती है। अगर आपको सल्फर से एलर्जी है तो सल्फर मदर टिंचर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल भी ना पिए। लेकिन अगर आपको सल्फर से एलर्जी नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको चर्म रोग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सल्फर मदर टिंचर को कैसे आप लगाएं। दोस्तों, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो सोरायसिस हो, चाहे वो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, अगर आपको खुजली हो रही है तो सल्फर मदर टिंचर आप लगा सकते हैं। इसे लगाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सल्फर मदर टिंचर को आप रुई में अच्छे से भिगो लें, और इसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पर एक्जिमा है तो आप सल्फर मदर टिंचर को अच्छे से लगा लीजिए। ऐसा आप दिन में 2-3 बार करिए, तुरंत खुजली में आराम लग जाता है, धीरे धीरे इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि सल्फर मदर टिंचर को आप एजाडिरेक्टा मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर के साथ मिला के लगाएं। तो तीनों को बराबर मात्रा में पहले मिला लें, और उसके बाद आपको जहाँ पर एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरायसिस या अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है वहाँ पर आप इसे लगाएं। अगर आपको ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम है, हाथ बहुत फटे फटे से रहते हैं, पैर बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो सल्फर मदर टिंचर को आप वैसलीन जेली के साथ भी मिला के लगा सकते हैं। तो वैसलीन थोड़ा हाथ में रख लें, 20-25 बूंद आप सल्फर मदर टिंचर डालें और उसको आप अच्छे से मिला के हाथ में, पैर में लगा सकते हैं। तो ठंडियों में अगर आपको खुजली हो रही है, कहीं पर भी सूखी खुजली है, तो वैसलीन जेली के साथ भी आप मिला के लगा सकते हैं। इसे आप तेल के साथ भी मिला के लगा सकते हैं, जैसे कि नारियल के तेल के साथ आप मिला के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो तेल के साथ मिला के लगाने में बेटर रहता है। तो लगभग थोड़ा सा आप नारियल तेल ले लें, उसमें 20-25 बूंद सल्फर मदर टिंचर डालें, उसे अच्छे से मिला के और उसके बाद आप लगा लें। सल्फर मदर टिंचर आप दिन में 3 बार ज़रूर लगाएं। एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरायसिस, अर्टिकेरिया, किसी भी तरह के स्किन डिसीजेज में सल्फर मदर टिंचर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, और खुजली जो है वो तुरंत ठीक हो जाती है। तो ज़रूर इसका उपयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं कि आप इसे इंटरनल कैसे यूज़ कर सकते हैं। सल्फर मदर टिंचर 3 तरह से आपके शरीर में वर्क करता है अगर आप इंटरनल लेते हैं। पहला, ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है। दूसरा, ये बहुत ही अच्छा एंटीफंगल है। और तीसरा, कि ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है, रक्त शोधक भी है। तो आप सल्फर मदर टिंचर एक्जिमा के केस में ले सकते हैं, आप सल्फर मदर टिंचर पिंपल्स, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और फंगल इन्फेक्शन के केस में ले सकते हैं। अर्टिकेरिया में आपको नहीं पीना है सल्फर मदर टिंचर, ना ही सोरायसिस के केस में आपको सल्फर मदर टिंचर पीना है। तो अगर आपको एक्जिमा है, आपको पिंपल्स हैं, इरप्शंस हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, तो सल्फर मदर टिंचर आप 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार सुबह शाम पिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये मेडिसिन, आप लगभग 15 दिन तक ज़रूर लें। चाहे तो आप सल्फर मदर टिंचर के साथ एजाडिरेक्टा मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर मिला के ले सकते हैं। तो सल्फर मदर टिंचर, एजाडिरेक्टा मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर, ये तीनों को मिला लें, और मिलाने के बाद आप लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सल्फर मदर टिंचर आप कैसे यूज़ करें और किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में आप यूज़ कर सकते हैं और क्या लक्षण हो तब आप इसे उपयोग में लें।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देगी तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।